मेरा 10 में से 10 100 और 100 10 में से 10 मेरा और गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज यहाँ पर गौरव के जाने की तैयारी हो गई है और बुरा लग रहा है यार, इतने दिनों से था तो बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग, डांस वगैरह गाने ये वो चलता ही रहता था वो था तो। और उसको रील्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो रील्स वगैरह बनाता था तो हमारा भी टाइम पास हो जाता था, बहुत ज़्यादा मज़े किए उसके साथ। और इस चक्कर में ब्लॉग भी नहीं बना पाई, वो अलग बात है, ब्लॉग का तो हमेशा का ही रहता है, बट फैमिली के साथ एंजॉय करना, फैमिली के साथ मज़े करना, वो हमेशा हमेशा टाइम नहीं मिलता है, उसको भी टाइम नहीं मिलता है और मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। वो आने के बाद तो इतने दिन कैसे निकल गए वो तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, और अभी उसका काम है इसी वजह से जा रहा नहीं, तो वो उसका भी मन नहीं था जाने का और हमारा भी जाने देने का मन नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, काम कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको करना भी पड़ता है, तो इसी वजह से वो जा रहा है। बट आप जल्दी ही मिलोगे गौरव से और दोबारा से। और हाँ, वो उसकी व्लॉगिंग कर रहा था, उसके व्लॉगिंग के लिए शूट कर रहा था। और बस चलिए गाइज ये छोड़ के आ जाते हैं उसे और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ, वो जाने के बाद तो एक और मेहमान आया है घर में, मेहमान नहीं बोल सकते हैं उसे, घर का ही मेम्बर है, बट कैसा होता है कि बहुत दिनों के बाद आता है ना और आपको भी नहीं पता है कौन है, तो आगे दिखा देती हूँ आपको कौन है आया है। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मेरे घर में आया है संकेत। संकेत ये मेरी जिठानी का बेटा है, एक्चुअली बड़ी जिठानी का बेटा, आपने देखा ही होगा इससे पहले के व्लॉग में, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने तो देखा ही होगा, पर जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये मेरे बड़ी जिठानी का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है हमारे घर में संकेत। तो ये आया है और अभी इसकी वजह से थोड़ा सा दिल लगा रहेगा हमारा, मतलब थोड़ा सा वो होगा कि नहीं यार बच्चों को एकदम से, वो बच्चे नाराज़ नहीं होंगे, अभी गौरव जाने के बाद तो एकदम से नाराज़ हो गए थे बच्चे, मतलब उसके जाने की खबर सुन के ही ऐसा लग रहा था कि यार एकदम से बच्चे नाराज़ हो गए थे, जाने ही नहीं दे रहे थे उससे। बट थोड़ा सा संकेत उसकी कमी को पूरा करने के लिए आया है, अभी आप एक दो दिन संकेत को भी ब्लॉग में देखोगे। और आप लोग सोच रहे होंगे अद्विक ये क्या कर रहा है, तो अद्विक उसकी पढ़ाई दिखा रहा है भैया को, मतलब जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं है, अद्विक सब कुछ उसको दिखा रहा है कि ये होता है, ये मुझे पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई होती है मुझे, ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, मुझे यहाँ पर वेरी गुड मिला था, यहाँ पर वेरी बैड मिला था, ये सब कुछ ये दिखा रहा था। एक्चुअली मैं मराठी में बात कर रही थी उससे, इसी वजह से म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मतलब सभी को मराठी समझ में नहीं आती है इसी वजह से, नहीं तो मैं रख देती। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है उन दोनों का, और संकेत देख रहा है, मतलब अद्विक उसको बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि जैसे कि ऐसे लग रहा था कि उसने डायरेक्ट जंप की है ट्वेल्थ में, वो उसने LKG UKG पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसे करके अद्विक उसको समझा रहा था ये ए है, ये बी है, ये वन है, ये टू है। मैंने बोला डायरेक्ट भैया ने जंप ही की है, मतलब आपने ही सिखा है ये सब कुछ, बाकी किसी ने नहीं सिखाया, हम लोगों को भी नहीं पता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और खाने में क्या क्या बना है वो दिखा देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा खाना बनता है और बस, ये तो सब्जियाँ किसी को भी आती है तो इसी वजह से मतलब रेसिपी वगैरह शेयर करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर बस प्याज डाल के भिंडी की सब्जी बनाई है, ये दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, क्योंकि दाल चावल आप लोग बोलते हो दाल चावल डेली बनाते हो, बट मेरे बच्चों को दाल चावल के बिना होता ही नहीं है, होता है ना सबका, तो दाल चावल बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा और बच्चे दाल चावल के बिना खाना ही नहीं खाते हैं, तो दाल चावल बनता ही बनता है मेरे घर पे। और ये भिंडी की सब्जी बनाई है, सिंपल सी, बहुत कम ऑयल यूज करके भिंडी की सब्जी बनाई है, और मेरी ज्वारी की रोटी और सबके लिए गेहूं की रोटी। तो ये है आज का लंच। हे गाइस, यहां पर सारी ऑडियंस बैठ गई है मेरी, और मैंने ना कुछ कुर्तीज परचेस की है, तो आज हम लोग कुछ अलग डिफरेंट करने वाले हैं, मतलब जो मेरे चैनल पे अभी तक मैंने कभी नहीं किया है, वो डिफरेंट गेम खेलने वाले हैं हम लोग। और हम करने वाले हैं आज, जो भी मैंने कुर्तीज परचेस की है उसको ये रेट देंगे, मतलब जो मुझ पे अच्छी लगती है, या अगर कपड़ा भी अच्छा हो बट मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है या क्या है, जो कुछ भी है वो ये बताएंगे अभी। ये जो मेरी ऑडियंस है यहाँ पर बैठी हुई, ऑडियंस में नया जो पर्सन है वो ऐड हुआ है आज, आप हाथ मत हिलाओ, ये है हाँ संकेत, जिससे मैंने आपको सुबह ही मिलवाया है। तो संकेत है नया पर्सन आज ऐड हुआ है फैमिली में, वैसे फैमिली मेंबर ही है बट आप लोगों ने नहीं देखा है, ये मेरी बड़ी जेठानी का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है हमारे घर में ये।
वो ऐड हुआ है। अभी सब लोग मेरे आउटफिट को रेट देने वाले हैं। अभी एक एक करके मैं कुर्तीज पहनती हूँ। ये भी कुर्ती उसी में से है एक, तो सबसे पहले यही दिखा देती हूँ। तो ये कुर्ती दिखाती हूँ और ये मेरे कुर्ती को रेटिंग करेंगे। एक्चुअली ये कुर्ता सेट है, मैं आपको फुल कुर्ता सेट दिखाती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने आउटफिट दिखाऊ उसको ये रेटिंग करे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे पर आ रही है आपके लिए बुलबुल फ्रीडम सेल 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 70% ऑफ एप्रेल्स फुटवेयर गैजेट्स एंड किचन एंड होम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है आजादी का जश्न। साथ ही आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री शानदार डिस्काउंट्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पे। तो चले गए, जो भी मैंने अभी कुर्तीज परचेस की है वो दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहली कुर्ती है ये, तो ये कुर्ता सेट है पूरा और इसका कॉटन मटेरियल है, उसके साथ साथ ब्लैक कलर में ये पूरा कुर्ता है। 3/4 स्लीव दी है उसमें और उसके साथ इसमें ना थोड़ी सी व्हाइट कलर की प्रिंट है। ओवरऑल कुर्ती और पैंट पे व्हाइट कलर की प्रिंट है। यहाँ पर बटन्स दी है, कॉलर नेक है इसका और कुछ इस तरह से ये पूरा आउटफिट लगता है मेरा। तो आप बताइए कि इस आउटफिट के लिए आप कितने रेटिंग करोगे? मैं तो 10/7 करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस है वो 699 रुपीज है। तो 699 रुपीज की प्राइस में अगर आपको ये ऐसे कुर्ता मिलता है तो मतलब आपको आप क्या रेटिंग देना चाहोगे इसके लिए? मैं 7 रेटिंग देना चाहूंगा। क्यों? 7 रेटिंग? अगर थोड़ा फिटिंग में अच्छा होता तो रेटिंग बढ़ सकती। हाँ, फिटिंग के लिए सिर्फ रेटिंग कम कर रहे हैं ये लोग, नहीं तो बाकी ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है? और अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, लुक अच्छा है, बट इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा सा लूज ऑर्डर किया था। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा फैट हूँ, बट अभी हो सकता है मैंने वेट लॉस किया हो या मतलब पता नहीं इंचेस लॉस हो गया है, वेट लॉस हो गया है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मुझे खुद को ही लूज लग रहा है। संकेत ने 7 रेटिंग की है और माही ने भी 7 रेटिंग की है। आप कितना रेट? लुक पे अच्छा लग रहा है लेकिन जो संकेत ने बोला थोड़ा सा लूज है, बस उतना ही है। 6 देना चाहूंगा। 6? इन्होंने 6 दिया है तो ठीक है, ज्यादा तो हस्बैंड ही समझ सकते हैं। ठीक है, लूज की वजह से इसको 6 मिला है, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल कैसा लग रहा है? मतलब ओवरऑल अच्छा लग रहा है, थोड़ा फिटिंग में ये नहीं। हाँ, तो फिटिंग में करवा लूंगी उसकी, तो मतलब इसको मैं अल्टर करा लूंगी। बट कपड़ा कैसा लगा आपको? मतलब कपड़ा और कॉटन का लग रहा है, कॉटन है और उसमें प्रिंट है, प्रिंट अच्छी है, बाकी सब एक नंबर लगा, मतलब आपका फेवरेट कलर है। हाँ तो बराबर है, ब्लैक तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, इसी वजह से मैं ब्लैक तो किसी भी चीज में इंक्लूड कर ही देती हूँ। तो ये इसको माही ने दिया है 7, इन्होंने 6 दिया है और संकेत ने भी 7 दिया है। अद्विक, अद्विक आप बता। आप? मैं तो 7। अरे वाह, 7 देगा अभी, अद्विक ने भी 7 दिया है, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल ये कुर्ता बहुत ज्यादा अच्छा है, 7 रेटिंग है इसे तो अच्छा है। और उसके बाद सिर्फ फिटिंग का है तो फिटिंग में करवा लूंगी इसकी। तो गाइज ये है सेकंड कुर्ता और ये सिर्फ कुर्ता है, इसके साथ प्लाजो मैंने अपना पहना है और ये जो है बेल्ट जो है मैंने अपने मतलब खुद से स्टाइल किया है इसे। एक्चुअली ये अनारकली टाइप में कुर्ता है, इसे आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो अगर आप पहनने में कंफर्टेबल हो तो, और आप एज अ कुर्ती भी इसे पहन सकते हो। येल्लो लेमन येल्लो कलर में ये कुर्ता है, उसके बाद फ्लोरल प्रिंट में ये कुर्ता है, यहाँ पर बटन दी है रेड कलर की, उसके बाद ये रेयॉन मटेरियल में है कुर्ता। और पहले इसकी प्राइस 599 रुपीज थी, बट ये कुर्ता डील ऑफ द डे में चल रहा है तो इसकी प्राइस कम होके 499 रुपीज हुई है। तो अभी बताइए मुझे इसके लिए आप कितना रेट करोगे? 10/10 की तरफ से बहुत, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है इसमें, मतलब बोलने के लिए देखो येलो कलर तो मुझ पे वैसे भी सूट करता है, किसी भी स्किन टोन पे येलो कलर सूट करता ही है। आप डस्की स्किन टोन के हो, आप मीडियम स्किन टोन के हो या आप फेयर स्किन टोन के हो, उस पे येलो कलर तो सूट करता ही है। बट इस टाइप की कुर्ती मुझ पे ज्यादा सूट करते है, कैसे? फ्लेयर वाले, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऊपर से फिटिंग में और नीचे से फ्लेयर में, ऐसे कुर्ते मुझ पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं। तो अभी माही ने रेटिंग दी है 10/10, पता नहीं कैसे 10/10 दे दी माही ने, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यूज पे। इसी वजह से कभी भी कुर्तीज या कुछ भी लेना चाहिए ना, कपड़े वगैरह लेना चाहिए, जो सामने वालों को अच्छे लगते हैं वो लेने चाहिए। तो आप बताइए अभी 10? देखो 10, इन्होंने भी 10 दे दिया। अभी संकेत 10/9 और अद्विक, हाँ अद्विक ने 8 बोला है और माही ने 10 बोला, इन्होंने 10 बोला, संकेत के 9 है और अद्विक ने 8 बोला है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तो देखो 499 रुपीज
इसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके बाद लुक वाइज भी बहुत अच्छा है ये तो। और आपको कैसा लग रहा है मुझ पर ये भी जरूर बताना कमेंट करके। तो गाइज ये है थर्ड कुर्ता और ये जो कुर्ता है मैंने अपने तरह से स्टाइल किया है इसे। अगर आप अम्ब्रेला कुर्तीज वगैरह पहनते हो ना तो इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इस पे ये स्टमक बेल्ट लगाया है, ये इसकी वजह से लुक इसका बहुत ज्यादा प्यारा आता है। अगर आप एज ए ड्रेस पहनना चाहते हो तो भी आप, मैंने जैसे कि पहले भी बताया अम्ब्रेला कुर्तीज को आप एज ए ड्रेस भी पहन सकते हो। तो इस तरह से ये कुर्ती है और बहुत ज्यादा घेर है, पॉलीक्रेप मटेरियल में ये कुर्ती है। एक्चुअली इसकी जो प्राइस है वो 549 रुपीज प्राइस है। 549 रुपीज के अकॉर्डिंग ये मुझे कुर्ती बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। देखते हैं कि ये सब इसको रेटिंग कितना देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये कुर्ती है, इसके नीचे मैंने अपने पास का जो पैंट था स्ट्रेट पैंट वो पहना है इसका। मुझे तो पर्सनली ये कुर्ती बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अभी देखते हैं इनको कैसे लगती है मुझ पे ये कुर्ती। मेरी तरफ से ये 9/10 out of 8 है। 10 out of 8 आपको? 10 out of 9 और संकेत ऐसी कॉस्ट क्या बताइए? 549 रुपीज। बहुत बढ़िया है। 549 रुपीज के हिसाब से ये बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। इसका 10 out of 8 है, इन्होंने दिया है 10 out of 9 और संकेत 10 out of 10। 10 out of 10 अरे बाप रे, संकेत को बहुत ज्यादा पसंद आई है। और अद्वित कौन सा अच्छा बताया कौन सा खराब बताया, ठीक है ना। और भी है, और भी है, सब्र करो जरा रुको सब्र करो। तो और भी है, चलिए आप बताइए कुर्ती मुझ पे कैसी लग रही है और आपको कैसे ऐसी लगी है कुर्ती। एक ये कुर्ती है, इसकी स्लीव्स थोड़ी सी यूनिक लगी मुझे, इस तरह से इसकी स्लीव्स है, थोड़ा सा आप इसे खींच भी सकते हो इस डोरी को और इस तरह से थोड़ा सा लुक चेंज कर सकते हो इसका, इस डोरी को बांध भी सकते हो। ग्रीन कलर की कुर्ती है, स्ट्रेच कुर्ती है, इसके ऊपर गोल्डन फॉइल प्रिंट है, पिंक येलो इस तरह से कलर्स है इसमें, थोड़ी सी कलरफुल लगती है ये कुर्ती। और इसकी जो प्राइस है वो 549 रुपीज है। मतलब आपको कैसे लगी ये? 10 out of 10 लग रही है आप पे ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, जो आपने स्लीव्स के बारे में बताया वो मुझे सही में यूनिक लगा है, अच्छा लगा वो देखने में, और उससे इसका लुक और ज्यादा अच्छा बेहतरीन लग रहा है। आपको संकेत आप 10. कितने देना चाहते हो इसमें? 10 out of 10 इन्होंने 10 out of 10 दिया है। माही ने 10 out of 10 दिया है। आपने 10 out of 10 माधवी? अच्छा देखो तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से है, स्ट्रेट कुर्ती है, मेरी ज्यादा हाइट होने की वजह से यहाँ तक आती है, आपकी अगर थोड़ी हाइट मुझसे कम है तो आपको थोड़े नीचे तक आएगी। और मुझे तो ये कुर्ती अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, इनको भी सबको पसंद आई है, मतलब 10 out of 10 मिल गया है तो कहने की क्या बात है। तो चलिए मैं दूसरी कुर्ती पहन के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस सबसे लास्ट और मेरी फेवरेट ये कुर्ती है, मतलब इस पूरे परचेस में मेरी जो फेवरेट कुर्ती है वो ये है, सबसे ज्यादा मुझे ये कुर्ती पसंद आई है। इसमें पॉम पॉम लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, यहाँ पर थ्रेड है, यहाँ पर पॉम पॉम लगे हुए हैं, स्लीव्स यहाँ तक है, पूरी कॉटन की कुर्ती है और इसका थोड़ा सा पैटर्न यूनिक है इस तरह से, मतलब पीछे से ये लॉन्ग है, आगे से ये थोड़ी शॉर्ट है, नीचे से भी पॉम पॉम लगे हुए है, उसके बाद यहाँ पर फ्रंट में भी डिजाइन दी हुई है, ये पेंटिंग है। और उसके बाद इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब और इसके नीचे मैंने ये ग्रीन कलर का चूड़ीदार लेगिन पहना है। ये कुर्ती मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए परचेस की है और इसमें व्हाइट है, ऑरेंज है और नीचे ग्रीन है, तो पूरा इंडिपेंडेंस लुक आता है इससे, तो इसी वजह से मैंने उस दिन के लिए ये कुर्ती परचेस की थी और बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती लगती है ये। तो इसके लिए रेटिंग देंगे ये सब। एक्चुअली ये कुर्ती मुझ पे कैसी लग रही है इस इनकी रेटिंग की वजह से आपको पता चलेगा और आप भी रेटिंग देना, मतलब आपको कैसी लग रही है ये कुर्ती वो भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। मेरा 10 में से 10 100 out of 100 10 में से 10 और संकेत 10 out of 10 इस कुर्ती को नंबर लग रही है, जो देखो ये कुर्ती सभी को पसंद आई। अद्वित आपको? 10 out of 10 अद्विक ने भी दिया है इस वाले कुर्ती को, मतलब सभी को ये कुर्ती पसंद आई है। और इसका मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉटन मटेरियल है, बहुत बहुत सुंदर कुर्ती है ये। और इसका जो प्राइस है वो आपको बताना भूल गई, 549 रुपीज प्राइस है। आप सोचो इतनी सुंदर कुर्ती
और 549 रुपीज में आपको मिल रही है। और ये कुर्ती मैंने ली है मेरा लिंक से, तो गाइज अगर आपको परचेस करनी है तो मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यही सेम कुर्ती मैंने देखी थी मिंत्रा पे, यही सेम वाली कुर्ती, मैं साइड में पिक भी लगा दूंगी आपके लिए, यही सेम कुर्ती मिंत्रा पे 659 में थी और यहाँ पर 549 में आपको मिल रही है। तो मिंत्रा पे इसकी प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा ही है और यहाँ पर आपको ये बहुत कम प्राइस में मिल रही है। सारी कुर्तीज आपको यहाँ पर कम ही प्राइस में मिल रही है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसमें से कोई भी कुर्ती तो अगर आपको पसंद आती है तो मैंने मेरा लिंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लेना। और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसे परचेस कर सकते हो, आप व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको कोई क्वेरीज हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो उनसे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो उनसे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा लिंक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो इन्हें, क्योंकि कपड़ा क्वालिटी अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, बहुत सुंदर लगती है। आपने अभी देख ही ली है मुझ पे कैसे लग रही है, जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह में आप कुर्ती पहनते हो तो बहुत ज्यादा हेवी और घेर वाली और ये होती है। उस कुर्ती को ना पहनते हुए अगर आपको इस तरह की सिंपल सोबर कुर्ती पहननी है तो थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह ऐड कर दीजिए, फेस्टिवल लुक आ जाएगा और ये कुर्ती आप बाहर भी पहन सकते हो बाकी टाइम पे। तो चलिए गाइस, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको मजा भी आया होगा, थोड़ा सा नया ट्राई किया है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है तो आपको मजा आया होगा। इस तरह के अगर आपको ब्लॉग देखने हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और आपको सारे आउटफिट्स कैसे लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।